जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बुधवार को मेजल्स रुबैला टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत लखारी स्थित कार्मेल स्कूल से की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर बुक्का उराव, सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा, डीटीओ रोहित कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा अधीक्षक विनय कुमार, स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर तहसीलदार उपस्थित थे। अतिथियों ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत विधिवत रूप से दीप प्रज्वल कर किया। इस दौरान बच्चों के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर अतिथियों का स्वागत करने के साथ ही वेलकम डांस और वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। इस दौरान उपायुक्त ने फीता काटकर एमआर टीकाकरण अभियान की विधिवत शुरुआत की। वहीं छात्रा ध्रिसिता श्वेता को पहला एमआर का टीका लगाया गया। Thank you.
यह इससे प्रभावित व्यक्ति के खांसने या छींकने से फैलता है। सामान्य तौर पर खसरा के लक्षण हैं चेहरे तथा शरीर पर लाल दाने या चकते, अत्यधिक बुखार, खांसी और आंखों का लाल हो जाना। रूबेला बच्चों में आमतौर पर हल्का होता है, जिससे कम डिग्री का बुखार, मिचली और हल्के नेत्र स्रोत या कंजक्टिविटीज के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। खसरा का कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन टीकाकरण द्वारा इससे बचाव किया जा सकता है। रूबेला के उपचार के लिए भी कोई निश्चित इलाज नहीं है, इस रोग से बचाव के लिए टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। राष्ट्रीय एमआर अभियान के अंतर्गत यह टीका 9 माह से 15 वर्ष तक के बच्चों के आयु वर्ग को सिंगल शॉट वैक्सीन के रूप में लगाया जाएगा। यह देखा गया है कि हमारे देश में खसरा और रूबेला के अधिकतर मामले 15 वर्ष तक के बच्चों में पाए गए हैं। यही कारण है कि इस अभियान में बच्चों के इस आयु वर्ग को लक्ष्य बनाया गया है। खसरा और रूबेला के टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सभी टीकों को जनता के लिए स्वीकृत किए जाने से पहले कठोर सुरक्षा परीक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसमें क्लिनिकल परीक्षण भी शामिल होते हैं। केवल कठोर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले टीकों का ही पंजीकरण और वितरण सरकार द्वारा किया जाता है। कई लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि ये टीके बच्चों को बीमार कर सकते हैं, परंतु टीकाकरण के बाद की परेशानी मामूली और अस्थायी होती है, जैसे कि इंजेक्शन स्थल पर दर्द या हल्का बुखार। इंजेक्शन साइट पर ठंडा कपड़ा लगाकर या डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार दवा लेकर इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि आज से जिले भर में मिजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। जिले भर में 9 माह से 15 वर्ष के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। बताया कि गिरिडीह जिले में मिजल्स रूबेला का असर काफी अधिक है, इसलिए जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खसरा रूबेला का टीका लगने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि एमआर टीका अभियान को लेकर कई दिनों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि 100% बच्चों को एमआर का टीका लग सके। कहा कि कार्मेल स्कूल में आज जो उत्साह देखने को मिला, उससे साफ प्रतीत होता है जिले भर में 100% टीकाकरण होगा। कहा कि जिले भर में 9 लाख बच्चों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक निर्मल झा, राखी झुंझुनवाला, मिस नविता, मिस श्वेता, सर जिब्रान, दिवाकर मिश्रा, आलोक पांडे, एलेक्स जॉन, नवनीता सरकार, मिस जिबना, मिस पूनम, जॉयस स्मार्ट, उर्मी दत्ता, मिस सीमा, सर वर्गीस, शुभांग मुखर्जी, प्रेम कुमार, आनंद कुमार सहित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद थे। We previously was having an idea, and in fact,
इसलिए ये बिल्कुल विश्वसनीय है पूरा, हम लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं और ये हमें निश्चित रूप से हमें इम्यूनिटी देता है। ये जैसे प्रीवियसली हम लोग पिछले कई दिनों से आपके साथ इंटरेक्ट करते आए हैं, आपके संपर्क में हैं और MR वैक्सीनेशन को लेकर MR कैंपेन जो चला है या आज से शुरू हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बार बार संदेश देते गए, जागरूकता फैलाते गए, आपके माध्यम से जागरूकता का अभियान चलवाया ताकि लोग जागरूक हो सकें। और आज जो हमारा यहाँ पर इनॉग्रेशन था, हमारा पर्पस ये था ये दिखाना कि हम सिर्फ सरकारी कार्यक्रम स्कूलों में ही ये कार्यक्रम नहीं हमारा है, हमारा प्राइवेट स्कूल में भी कार्यक्रम है। और इन लोगों ने ये इस तरह का हम लोगों से रिएक्ट किया कि आप हमारे यहाँ ये इनॉग्रेशन कीजिए। हम भी चाहते थे कि कोई प्राइवेट स्कूल में हो ताकि लोगों में ये संदेश जाए कि सभी स्कूलों में होना है, प्राइवेट या सरकारी स्कूलों में, और बाकी ब्लॉक्स में हमारे सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं ताकि सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसलिए कि मेजर जो 5 लाख हमारे टारगेट हैं स्कूलों में, और आज का जो जागरूकता और इन लोगों का जोश दे के लगता है कि हमारा अभियान बिल्कुल सफल होगा और कहीं भी इस तरह की कोई हमारी समस्या नहीं आएगी। हम इस अभियान को पूरी तरह सफल करेंगे और 100% बच्चों को MR का वैक्सीन लगा सकते। अभियान लगभग 5 हफ्ता चलना है, 2 हफ्ता हमारा स्कूलों में चलना है, 2 हफ्ता आंगनबाड़ी में और 1 हफ्ता जो छूटे हुए हैं कहीं अगर बचे हुए हैं। लक्ष्य कितना है? 9 लाख का है। वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ आज ही के दिन, जिला प्रशासन की ये उम्मीद थी कि हम लोग अच्छी तरह से इसको निभाएंगे, इनॉग्रेशन को, शुरुआती प्रोग्राम को, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, सभी बच्चों ने काफ़ी इसके लिए मेहनत किया ताकि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। आप सभी को भी पसंद आया होगा और मैं जरूर एक बार फिर से सबके तरफ से, कार्मिक परिवार के तरफ से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर से